खडोदगज कृष्ण और बलराम को अपने घर ले जाता है। आखिर जश्न किसका है? मुझे तो शादी लग रही है। ऐसी बात मत कीजिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। खटोत्कच उन्हें अपने आंगन में उतारता है। मती, देखो यहाँ कौन आया है। स्वागत है ओ महान कृष्ण जी और बलराम जी। कैसी हो तुम? ये जगह आपके आने से पवित्र हो गई है। आपका स्वागत है भाइयों। सुनो बहना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं भाई, देखिए सब कुछ ठीक हो गया है। अब बताइए, क्या आप अपनी बेटी की शादी अभिमन्यु के साथ करवाने के लिए तैयार हैं? इस बार भैया मना नहीं करेंगे। कृष्णा सही कह रहा है, खुशी के साथ चलो, सब मिलकर शादी की तैयारी करते हैं। बड़े ही धूमधाम से अभिमन्यु की शादी शशिरेखा से हो गई। सबने उस जोड़े को आशीर्वाद दिए। मुझे सुभद्रा और अभिमन्यु का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बिना हमें कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन नहीं होते। भाई, क्या अब तुम खुश हो? सुनो सुनो मेरे भाई, तुम्हारी मदद के बिना मैं अपने प्यार को नहीं पा सकता था। नहीं नहीं, बिना कृष्णा की मदद से कुछ भी मुमकिन नहीं होता। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। और उन सब ने कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लिया। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ए लंबू, ए शंभू, चलो हम भी चलकर कृष्ण भगवान से आशीर्वाद ले लें। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।